नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष ऐप में आपका स्वागत है मैं ब्रजेश कुमार भूगोल की कक्षाएं आपके लिए लेकर आया हूं और भूगोल के अंदर हम एक एक टॉपिक का आपका कंप्लीट करेंगे तो देखिए सबसे पहला टॉपिक जो भारत के भूगोल का आप देख पा रहे होंगे भारत की स्थिति और विस्तार तो देखिए भारत की और स्थिति और विस्तार एक ऐसा टॉपिक है जो हर लेवल के एग्जाम में आपका पूछा जाता है ठीक है चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो अगर वो भारत के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है ठीक है चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चाहे वो आई लेवल का एग्ज़ाम हो भारत की स्थिति और विस्तार से ज़रूर क्वेश्चन आपके आते हैं तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम समझते हुए जान लेते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है भारत कितना भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है और भारत का कितना देशांतरी विस्तार है कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमा है भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत की स्थिति क्या है तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर हमेशा बनते हैं तो इसी के इसी को लेते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं तो भारत की स्थिति और विस्तार का हम भाग एक लेकर चल रहे हैं तो देखिए इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की स्थिति को ठीक है तो ग्लोब में भारत की स्थिति को हम लेकर चलें। ग्लोब में ग्लोब में भारत की स्थिति ठीक है तो देखिए ग्लोब में भारत की स्थिति की हम बात करें तो अक्सर एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर भारत कहां पर स्थित है ठीक है तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो सेप है पृथ्वाकार है अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें पृथ्वी का आकार ठीक है तो पृथ्वी का आकार ध्यान रखना दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है वो जियोर सेप है जियोड जियोड बोलते हैं इसको तो जियोर से पृथ्वी का आकार है इस तरह से मान लीजिए पृथ्वी है और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ पर है तो पहली चीज तो हम यहाँ पर यह जान लें कि भारत को कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं का सॉरी इसको ग्लोब को काटती हैं ठीक है तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींची जाती हैं जिनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं है। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो आभासीय या काल्पनिक रेखाएं है होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं है। अब ये रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर खींची जाती हैं ये सारी चीज़ें हम भारत के भूगोल में जानते हैं भारत के भूगोल के अंदर आता है तो उसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर की तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जानें भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोल लेते हैं जीरो डिग्री देशांतर तो जीरो डिग्री देशांतर को हमने नाम दे दिया है भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा तो जीरो डिग्री देशांतर जो है वो भीमत भूमध्य रेखा कहलाता है या विश्वत रेखा और इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो इक्वेटर बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा नाम इसका इसलिए पड़ा है भूमाने होता है पृथ्वी और मध्यमाने बीचों बीच से इक्वेटर मीन्स इक्वल्स मतलब पृथ्वी को इक्वली दो भागों में विभाजित कर देती है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्वेटर ठीक है तो जीरो डिग्री आप देख रहे हैं बीचों बीच से गुजरती है तो यह दो भागों में बांट देती है इसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है इसको हम बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला जो गोलार्ध है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध ठीक है उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध अब देखिए एक और चीज यहां पर जानने वाली है यहां से यहां से एक और लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं प्रधान मध्यान्ह रेखा भी बोलते हैं यामोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है तो ये जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को फिर से दो भागों में बांट देगी एक पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा इसके इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा इधर वो अलग क्या किया जाएगा पूर्वी गोलार्ध तो ये जो स्थिति अगर आप देखें तो इसको मैं, मैं नाम दे देता हूँ इसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री देशांतर और जीरो डिग्री देशांतर रेखा को हम बोलते हैं ग्रीन रेखा तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है लंदन में एक शाही खगोलशाला है ग्रीनविच नामक जगह पर वहीं से ये लाइन गुजरती है इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा तो इसको ग्रीनविच रेखा भी हम बोल देते हैं इसको प्रधान मध्यान्ह रेखा भी इसको बोल देते हैं प्रधान मध्यान्ह रेखा प्राइम मेरिडियन और इसी को यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं यामोत्तर रेखा ठीक है तो ये दोनों लाइनें आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा और इधर से ग्रीनविच रेखा तो पहली चीज तो है ध्यान रखें ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कहां पर क्रॉस करती हैं ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर मैं लिख दू ग्रीनविच रेखा ग्रीन विच रेखा तथा भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं तो यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो अटलांटिक महासागर में काटती हैं ठीक है अब इससे आपको ये पता चल गया इन दो रेखाओं से कि भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित हो जाती है और ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है ग्लोब में भारत किस स्थान पर स्थित है भारत की स्थिति कहाँ पर है उत्तर प, उत्तर पश्चिम में है दक्षिण पश्चिम में है उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में तो यहां से भी एक प्रश्न आपका बनता है तो इतनी चीज जानने के बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं अब ये मान लीजिए ग्लोब हो गया ये ग्लोब है और यहां से आप जान गए कि यहां से गुजर रही है जीरो डिग्री भूमध्य रेखा जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा ठीक है और यहां से गुजर रही है जीरो डिग्री देशांतर रेखा तो ये कहलाती है ग्रीनविच रेखा ठीक है अब ये जो दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं ये पूछा जाता है कि ये भारत इनमें से किस भाग में स्थित है आप जान रहे हैं यहां पर उत्तर है यहां दक्षिण है यहाँ पश्चिम है और इधर की तरफ क्या है पूर्व है ठीक है तो ये, 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 वाला ये वाला भाग क्या कहलाएगा ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट ये वाला कहलाएगा साउथ वेस्ट ये वाला भाग कहलाएगा साउथ ईस्ट और ये वाला भाग क्या कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो ये चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व और पूछा जाता है कि भारत इनमें से किस भाग में स्थित है तो आपको पता है कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण रेखाएं और हम जान लेते हैं अक्षांश रेखाएं दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती हैं तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा आपकी दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसको बोलते हैं साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश ठीक है तो जो साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा ये कहलाती है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साढ़े तेईस डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न ये दो रेखाएं और हैं ठीक है हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं कि साढ़े छियासठ डिग्री पर आर्कटिक सर्किल भी है और साढ़े छियासठ डिग्री नीचे पर अंटार्कटिक सर्किल है दो सर्किल यहां पर और हैं मैं आपको इनको शो कर देता हूं आपको समझने में आसानी हो जाएगी एक यहां पर इस तरह से और एक यहां पर इस तरह से ठीक है तो यहां पर जो सर्किल आप देखेंगे इस वाले भाग को हम बोलते हैं इस सर्किल को हम बोलते हैं साढ़े छियासठ डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये कहलाता है साढ़े छियासठ डिग्री दक्षिणी अक्षांश ठीक है तो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्दर्न लेटिट्यूड एंड सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउदर्न लेटिट्यूड तो साढ़े छियासठ डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल आर्कटिक व्रत या आर्कटिक सर्किल और इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक अंटार्कटिक व्रत ठीक है अब हम बात कर रहे थे भारत की कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है तो भारत का हम देखेंगे कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और इधर से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में तो भारत की स्थिति ध्यान रखना कहां पर है उत्तर में और पूरब में तो उत्तर पूरब में भारत आपका स्थित है तो यहां पर कहीं आप देखेंगे भारत की स्थिति आपको नजर आएगी ठीक है इस तरह से भारत स्थित है तो भारत आज ध्यान रखना उत्तर और पूरब में स्थित है तो यह है आपका भारत तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है तो ध्यान रखना भारत कहां पर है उत्तर में और पूरब में ठीक है उत्तर पूर्व में मतलब इसका मतलब यह है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध मतलब उत्तरी अक्षांश में होगा और पश्चिमी आपका पूर्वी देशांतर उत्तर पूर्व में पूर्वी गोलार्ध ठीक है तो उत्तरी अक्षांश में होगा और पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में ठीक है तो यह भारत की स्थिति आप जान गए ग्लोब में कहां पर है सीधा ध्यान रखें भारत ग्लोब में उत्तर और पूर्व में स्थित है तो भारत आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में और इधर से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो ये जरूर ध्यान रखें यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं अब भारत का हम जान लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पूछा जाता है कि भारत कितने अक्षांश में और कितने देशांतर में फैला हुआ है ठीक है तो देखिए ये भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे आसानी से तो यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कितने अक्षांश में और कितने देशांतर में है तो देखिए यहां से हम ले लेते हैं ये भारत की मुख्य भूमि है ठीक है हालांकि भारत में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ द्वीप समूह भी नज़र आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे ये इससे थोड़ा नीचे है इसकी भी हम बात करेंगे अंडमान निकोबार है ये अंडमान और निकोबार ठीक है तो देखिए भारत का हम बात करें पहले अक्षांशीय विस्तार कितना है तो यहाँ से शुरू होता है आठ डिग्री सात मिनट सॉरी आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर भारत यहां तक फैला हुआ है ठीक है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट उत्तरी अक्षांश ठीक है उसके बाद हम देशांतरी फैलाव की बात करें तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ठीक है तो अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहेंगे भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अभी मैंने बताया तो यहां से एक एक डिग्री पर देशांतरी फैलाव को देखें तो यहां तक भारत की स्थिति दिखाई देगी तो भारत का जो विस्तार है वो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ठीक है तो भारत का अक्षांशी और देशांतरी फैलाव सीधा याद रखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेकर सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है अब बात करें अंडमान निकोबार की तो अंडमान निकोबार इससे और नीचे चला जाता है अंडमान निकोबार की स्थिति थोड़ा सा और नीचे है इससे तो ये जो आपका ये पड़ जाता है छः डिग्री पैंतालीस मिनट उत्तरी अक्षांश ठीक है तो छह डिग्री पैंतालीस मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपका स्थिति है अंडमान निकोबार का एक द्वीप और इस द्वीप का नाम मैं लिख देता हूं ये द्वीप आपका लास्ट वाला इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार ठीक है अब देखिए हम बात करेंगे आगे और कुछ चीजों की अब यहां पर 97 डिग्री है और यहां पर 68 डिग्री है और आपको पता है कि एक डिग्री अक्षांश एक डिग्री देशांतर रेखा एक डिग्री देशांतर रेखा पर एक डिग्री पर चार मिनट का अंतर आ जाता है ठीक है और 97 से लेकर 68 डिग्री तक अगर भारत का विस्तार हम देखें तो भारत लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है और अंतरराष्ट्रीय अगर तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है उससे देखा जाए तो 15 डिग्री पर एक टाइम जोन आपका बदल जाता है और 15 डिग्री पर अगर एक टाइम जोन आपका बदलेगा तो जाहिर सी बात है भारत के दो टाइम जोन होना जरूरी थे भारत के दो टाइम जोन होना जरूरी थे अभी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम वगैरह के जो राज्य हैं असम और इसके पूर्वोत्तर राज्य ये इस बात की डिमांड कर भी रहे हैं कि भारत में एक और टाइम जोन होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सूरज जो छः बजे दिखाई देता है वही सूरज आपका गुजरात में इधर की तरफ कब दिखाई देगा आठ बजे दिखाई देगा तो भारत के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक में जो समय है उसमें दो घंटे का अंतर आ जाता है ठीक है और दो घंटे के अंतर का मतलब है और पूरे भारत का समय या सरकारी समय वो एक ही समय काल से चलता है तो इस वजह से वो पूर्वोत्तर राज्य इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसको एक वो टाइम जोन है लेकिन ऐसा नहीं होता है इसी वजह से भारत ने क्या किया था कि भारत के दो टाइम जोन अगर ना बनाने पड़े तो भारत ने बीचों बीच से इसका रास्ता चुना तो 97 और 68 के बीचों बीच से अगर यहां पर रास्ता देखा जाए तो यहां से एक रेखा गुजरती है इस तरह से जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है ये जो रेखा यहां से गुजर रही है इसी को भारत ने अपना मानक समय मान लिया और ये रेखा कहलाती है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर तो साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत ने अपना मानक समय रेखा घोषित कर लिया इसी को हम बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा ठीक है तो भारतीय मानक समय रेखा या इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं आईएसटी भी लिखते हैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ठीक है और ये जो समय निर्धारित किया जाता है वो निर्धारित किया जाता है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम है नैनी नैनी इलाहाबाद या प्रयागराज ठीक है तो उत्तर प्रदेश में नैनी नामक स्थान से भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है तो बीचों बीच से यह समय हो गया ठीक है जैसे इस तरह समझिए यहां पर आप यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ ये मान लीजिए जीरो डिग्री है जीरो डिग्री देशांतर रेखा है जिसको हम बोलते हैं जी एम टी ग्रीन विच मीन टाइम जीरो डिग्री देशांतर रेखा और जीरो डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ यहाँ पर साढ़े बयासी डिग्री पर भारत स्थित है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की स्थिति है ठीक है और एक डिग्री भी इधर जाते हैं तो समय में क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है अगर जीएमटी पर 12 बजे का समय है जीएमटी पर कितने बजे है का समय है और आपसे पूछा जाए कि भारत में उस समय कितना समय होगा तो एक डिग्री भी अगर हम पूर्वी देशांतर पर जाते हैं तो चार मिनट का अंतर आ जाएगा तो साढ़े बयासी डिग्री को आप चार से गुणा कर दीजिए तो साढ़े बयासी को आप चार से गुणा करेंगे तो 330 मिनट आ जाएगा और 330 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे कर तो आपको पता है कि तीन पाँच घंटा 30 मिनट आ जाएगा ठीक है तो GMT पर जब 12 बजे का समय होगा उस समय भाई भारतीय मानक समय जो है वो कितने बजे होंगे साढ़े पाँच बजे का समय होगा तो ये GMT कहलाता है और ये क्या कहलाता है IST कहलाता है ठीक है तो इससे कई तरह से प्रश्न आते हैं इसको हम अक्षांशी और देशांतर में पढ़ेंगे किस तरह से समय निकाला जाता है अभी हम भारत के बारे में जान रहे हैं तो आप इतना जानिए कि जी पर अगर 12 बजे का समय होगा तो भारत में कितने बजे होंगे साढ़े पाँच बजे का समय होगा क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित है ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में जाते हैं तो समय घटेगा और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ेगा तो इसको अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे ठीक है तो इतना अभी आपको जानना है यहां पर क्या स्थिति बनती है ठीक है तो समय कहाँ से निकाला जाता है नैनी से अब यहां से बीचों बीच से समय निर्धारित किया जाएगा तो एक घंटे का कंप्रोमाइज इधर हो जाएगा और एक घंटे का कंप्रोमाइज इधर हो जाएगा तो एक ही समय काल से पूरे भारत में काम आपका चलता है ठीक है तो ये वाला पार्ट आप इस तरह से ध्यान रखें कि भारत कितने अक्षांश में और कितने देशांतर में है तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये भारत का अक्षांशी और देशांतरीय विस्तार है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार ठीक है तो अक्षांसी और देशांतरी विस्तार आप जान गए कितना है ठीक है अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार डिग्री पर है तो ये ज्यादा दक्षिण में होगा इसकी तुलना में तो पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर जानेंगे तो वो आपका कहां पर आएगा इस स्थान पर आएगा ठीक है तो ये चीज आप अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं दूसरा एक और मैप ले लेते हैं अब भारत के चार कोनों के बारे में पूछा जाता है कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है भारत का उत्तर में बिंदु कौन सा है भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इसको जानने के लिए ये मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बना देता हूँ इस तरह से ठीक है तो भारत के कोनों को थोड़ा जान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है तो ध्यान रखना पूर्वोत्तम बिंदु इधर की तरफ लिखिए पश्चिमतम बिंदु तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु की देखिए हम बात कर रहे हैं तो ये गुजरात है और गुजरात में यहां पर पड़ता है सरकरी और सरक्रीक में यहां पर एक स्थान पड़ता है इसको बोलते हैं हम गौहर माता गौहर माता सरक्रीक गुजरात तो गौहर माता सरक्रीक जो है वो भारत का क्या है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है पश्चिमतम बिंदु कहलाता है अगर हम चले जाएं उत्तर में तो उत्तरतम बिंदु की हम बात करेंगे यहां पर अगर हम बात करें इस तरह से उत्तरतम बिंदु तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर जो उत्तरतम बिंदु है वो आपका कहलाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो भारत का उत्तरतम बिंदु के रूप में जाना जाता है इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये ध्यान रखें इंदिरा कॉल भारत का क्या है उत्तरतम बिंदु है कॉल मीन्स होता है एक तरह से दर्रा ठीक है तो जब हम प्रवाहित जल के द्वारा अपर्दन की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें कॉल आपका आता है ठीक है तो कॉल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाला दर्रे की तरह आकृति होती है ये ठीक है तो इंदिरा कॉल आप देख रहे हैं भारत का क्या है उत्तरतम बिंदु आपका कहलाएगा जम्मू कश्मीर में जे एंड के ठीक है अगर हम बात करें भारत के पूर्वतम कोने की तो ये आपका राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे किनारे पर एक गांव पड़ता है इस गांव गांव का नाम है बलांगू किब्बतु तो भारत का अगर हम पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें जो बिल्कुल पूर्व में स्थित है इस पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है वालांगु वलांगु किब्यतु तो वलांगु किब्यतु भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कहलाता है ठीक है इसको ध्यान रखें बलांगू की बतु और यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है अब हम बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो यह तो मुख्य भूमि है यह भारत की क्या है मुख्य भूमि है तो भारत की मुख्य भूमि का देखिए दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो यह तमिलनाडु का सबसे आखिरी पॉइंट कहलाता है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी कन्याकुमारी या केप कैमोरिन तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन की के बात करें तो यह मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है और यह स्थित है कहां पर तमिलनाडु में ठीक है तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ध्यानकना कन्याकुमारी या केप कैमोरिन पड़ता है और यह स्थित है तमिलनाडु के अंदर तो तमिलनाडु के आखिरी पॉइंट को हम मानते हैं कन्याकुमारी जो मुख्य का दक्षिणतम बिंदु है लेकिन पूरे भारत की बात करें पूरे भारतीय संघ की बात करें तो संघ में आ जाएगा आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी संघ की अगर हम बात करते हैं भारतीय संघ की तो ध्यान रखना भारतीय संघ में राज्य भी आ जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मानकर चले तो यहां पर यह एक द्वीप दिखाई देता है अंडमान निकोबार का आखिरी द्वीप है इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार और इस ग्रेट निकोबार का जो आखिरी बिंदु है वही पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है ठीक है तो पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो यहाँ पर यह बिंदु दिखाई देगा इसको हम बोलते हैं इंदिरा बिंदु बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इंदिरा बिंदु इसका वास्तविक नाम है पिग्मेलियन बिंदु पिग्मेलियन बिंदु ठीक है या इसका नाम अंग्रेजों ने बदलकर रख दिया था इसको बोलते हैं हम पार्सन बिंदु तो तीनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही का नाम है ग्रेट निकोबार का आखिरी पॉइंट आपका कहलाता है इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट ठीक है तो ये क्लियर हो गया होगा इतना भारत के कौन कौन से बिंदु हैं आप देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कहलाता है गौहर माता उत्तरतम बिंदु कहलाता है इंदिरा कौल पूर्वतम बिंदु कहलाता है वलांगू किब्बू अरुणाचल प्रदेश में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमरिन ध्यानकें और पूरे भारत का भारतीय संघ का पूर्व केंद्र जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कहलाता है इंदिरा बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है तो ये नक्शे के द्वारा मैप के द्वारा आसानी से समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है इसकी ठीक अब देखिए कुछ चीज़ें हम आगे और जान लेते हैं फिर और आगे चलते हैं ठीक है एक मैप हम यहाँ पर और ले लेते हैं आप ये सब जान ही गए हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है कौन से राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है कौन से राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है ठीक है तो ये भारत का मैप आप यहां पर देख पा रहे होंगे अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की ठीक है तो देखिए कर्क रेखा की बात करें तो देखिए यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ये हम स्थान लेकर चलें यहाँ से तो यहाँ से कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है इस तरह से ठीक है तो इन इन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं आपको दिखाई देगी यहां से ठीक है तो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा भी बोलते हैं भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो ध्यान रखना ये भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है मैप पर मैं आपको बता देता हूं यहां से लेकर यहां तक एक राज्य आप देख पा रहे होंगे ये गुजरात है तो गुजरात से प्रवेश करती है कर्क रेखा ठीक है गुजरात के बाद यहाँ पर आप देखें तो गुजरात इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह आप देखें दूसरा राज्य लगता है कर्क रेखा से ये आपका हो जाएगा राजस्थान ठीक है उसके बाद कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई अगर देखी जाए तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है मध्य प्रदेश है ठीक है मध्य प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना है जिससे भी कर्क रेखा गुजर रही है और ये राज्य आपका यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं झारखंड झारखंड के बाद बिहार से एक अलग राज्य हुआ है छत्तीसगढ़ वो सॉरी बिहार से अलग हुआ है झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और यहाँ पर झारखंड से भी गुजर रही है और उसके बाद देखें तो यहां से एक राज्य दिखाई देता है इस तरह से यह राज्य आपका पश्चिमी बंगाल हो गया और दो राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में आ जाते हैं एक राज्य यहां पर है जिसको हम बोलते हैं त्रिपुरा इस तरह से और दूसरा राज्य है जिसको हम बोलते हैं मिजोरम इस तरह से तो इन आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है तो इन राज्यों के मैं नाम लिख देता हूं <coughs> तो यहां पर एक राज्य आप देख रहे हैं गुजरात दूसरा राज्य आपका हो गया राजस्थान ठीक है तीसरा राज्य आप देख रहे हैं यहां पर हो गया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ठीक है चौथा राज्य यहां पर देखें इधर से तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पांचवा राज्य यहाँ पर देखें तो ये हो गया झारखंड झारखंड छठवा राज्य देखें तो ये हो गया पश्चिमी बंगाल तो ये छह राज्य तो मुख्य भूमि पे पड़ रहे हैं ठीक है ये दो पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं तो दो पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर हो जाएंगे एक को हम बोलते हैं त्रिपुरा और दूसरे को बोलते हैं मिजोरम <coughs> त्रिपुरा और मिजोरम तो ये दो राज्य कौन से राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है कभी कभार क्या होता है कि पूर्वोत्तर के ही चार राज्य दे देंगे एक दो तीन चार करके और पूछेंगे निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो पूर्वोत्तर के सात राज्यों में से दो राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है एक है त्रिपुरा और दूसरा है आपका मिजोरम ठीक है <coughs> तो देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनेगा एक तो पश्चिम से पूर्व पूछ लेंगे क्रम क्रम लगाने के लिए तो यहाँ गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है झारखंड है पश्चिमी बंगाल है त्रिपुरा है और मिजोरम है या सीधा ही आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है या चार ऑप्शन आपको दे देंगे पूर्वोत्तर राज्यों में और पूछेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है तो आपको पता ही है कि त्रिपुरा और मिजोरम से तो कर्क रेखा गुजरती है उत्तर में यहाँ पर एक राज्य आपका आ जाएगा जिसको बोलते हैं मणिपुर उसके ऊपर नागालैंड है अरुणाचल प्रदेश है असम है और इधर आपका आ गया मेघालय तो ये तो बात हो गई कर्क रेखा की अब यहाँ से एक और संभावित प्रश्न आपका बनता है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है और या यह प्रश्न आपका बन सकता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है ठीक है तो यहां से ध्यान रखें कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई आप देख रहे हैं कहां पर होगी राजस्थान में तो यहां पर पॉइंट एक के साथ लिख लें <coughs> कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में पड़ती है और राजस्थान के दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो यह भी थोड़ा जान लें दो जिलों से होकर यह गुजरती है एक है बांसवाड़ा बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से ध्यान रखना कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में अब पूछा जाए कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे अधिक लंबाई कहाँ होगी मध्य प्रदेश में तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई तो सबसे अधिक लंबाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है ठीक है अब बात आती है कि कर्क रेखा के नज़दीकी शहर कौन कौन से हैं या कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है तो इस तरह से भी अगर प्रश्न आपका आता है तो मैप पर भी आप इसको शो कर सकते हैं नहीं तो अपने आप भी आप लिख लें ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं अगले अगली स्लाइड में कर्क रेखा के नजदीकी शहर तो देखिए कर्क रेखा के नजदीकी शहरों की अगर बात होती है तो आपको एक लाइन याद रखनी है और ये लाइन है आपकी यहां पर गरवा गरवा शब्द आपको ध्यान रखना है और गरवा ध्यान रहेगा तो यही शहर कर्क रेखा के नजदीक है जी से हो जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में यू से हो जाएगा उज्जैन ये भी कर्क रेखा के नज़दीक है आर से हो जाएगा रांची झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर पड़ती है बी से हो जाएगा भोपाल कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है और ए से हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी जिसको हम बोलते हैं अगर तला तो ये प्रमुख शहर जो हैं वो आपके कर्क रेखा के समीप हैं तो यहाँ से अगर प्रश्न आता है और गरबा करके आप पता लगा लें कि ये ये कर्क रेखा के ज़्यादा नज़दीक हैं और यहीं से अगर पूछा जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है जैसे दे दिया ऑप्शन में जयपुर दे दिया भोपाल दे दिया गांधीनगर दे दिया और आपका कोई एक और दे दिया और पूछा जाए कि इनमें से कर्क रेखा के कौन नज़दीक नहीं है तो जाहिर सी बात है जयपुर कर्क रेखा से बहुत दूर है ऐसे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं इसी तरह से बनते हैं तो ये प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा के नज़दीक हैं तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से इसके साथ ज़्यादा दूरी पर होंगे ठीक है तो ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ठीक है अब देखिए यहीं पर एक चीज और जान लेते हैं इसमें अब यहाँ से ये तो बात हो गई कर्क रेखा की उत्तर से दक्षिण में अगर आप देखें तो यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण में इस तरह से गुजरती है यहाँ से इस तरह से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है ठीक है तो ये साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर या आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है ये अगर पूछा जाए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मद, राज, उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है उड़ीसा है और उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ठीक है तो ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है तो आईएसटी जो है पांच राज्यों से गुजरती है ठीक है पांच राज्य कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पांच राज्यों से गुजरती है तो पहला तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ चौथा हो जाएगा उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश इस तरह से है ठीक है तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उत्तर से दक्षिण में ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं कि किन किन राज्यों से कौन कौन सी ये रेखाएं आपकी गुजरती है तो ठीक है तो ये मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिया ये आसान हो जाएगा समझने के लिए आपको उसके बाद मैंने नजदीकी शहर बता दिए तो ये पांच शहरों को ध्यान रखें इसके अलावा बाकी जो भी होगा आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं इसके बाद हम कुछ चीजें यहां, यहां पर और जान लेते हैं जैसे हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की ठीक है तो देखिए भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो उसके आधार पर हम जान लेते हैं कि भारत के शे, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सी स्थिति है तो भारत का क्षेत्रफल ठीक है भारत का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट आंकड़े पूछ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है ये भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं बत्तीस लाख सतासी हज़ार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है ठीक है तो भारत का कुल क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हज़ार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो ध्यान रखना विश्व के क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछा जाए विश्व के क्षेत्रफल का मात्र दो दशमलव चार दो प्रतिशत है तो ध्यान रखना भारत का क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है दो दशमलव चार दो प्रतिशत है अब क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान अगर पूछा जाए तो आप सब जानते ही हैं भारत का विश्व में सातवां स्थान है ठीक है तो सातवां स्थान आपको पता ही है तो यहां पर मैं लिख देता हूं विश्व के बड़े देश विश्व के बड़े देश तो विश्व के बड़े देशों में भारत की स्थिति कहां पर आती है तो इसको मैं घटते हुए क्रम में लिख देता हूं तो आपको पता ही है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस क्षेत्रफल के आधार पर है ये ठीक है क्षेत्रफल के आधार पर रूस के बाद दूसरे नंबर पर जो देश है वो है आपका कनाडा क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है वो है आपका चीन क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा देश है और वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए क्षेत्रफल के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा देश अगर हम लेके चलें तो यूएसए के बाद आता है ब्राज़ील और क्षेत्रफल के आधार पर छठवें स्थान पर सबसे बड़ा देश है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आ जाता है भारत ठीक है आठवें नंबर पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन अक्सर नहीं पूछा जाएगा अर्जेंटीना अर्जेंटीना आ जाएगा ठीक है कजाकिस्तान आ जाएगा सूडान आ जाएगा वो बाद वाले देशों के नाम है तो ये घटते हुए क्रम में अगर आप देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर आप देख रहे हैं भारत का स्थान कौन सा है सातवां स्थान है भारत का ठीक है पहले नंबर पर रूस आ जाता है कनाडा आ जाता है चीन आ जाता है यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत और अर्जेंटीना ये घटते हुए क्रम में है अगर हम छोटे देशों की बात करें विश्व के सबसे छोटे देश ये तो बड़े देश हो गए अगर यहां पर हम विश्व के विश्व के सबसे छोटे देश तो बड़े देश भी पूछ सकते हैं तो छोटे देश भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा देश कौन सा है तो विश्व के सबसे छोटे देशों में आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन सा है तो विश्व के सबसे छोटे देशों में पहले नंबर पर आपका आता है वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी ये इटली के अंदर आता है वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है इसका क्षेत्रफल मात्र जीरो दशमलव चार चार वर्ग किलोमीटर में है ठीक है दूसरे नंबर का पहला बहुत बार कोई आ चुकी होती है पहला कोई बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है तो अक्सर पहला नहीं पूछते पहला उठा देंगे नीचे से चार ऑप्शन दे देंगे और इनमें से पूछेंगे कौन सा सबसे छोटा देश है तो दूसरे नंबर पर जो देश आता है यूरोप का ही एक देश है इसको बोलते हैं मोनेको तो दूसरे नंबर पर लिख लेना मोनेको तीसरे नंबर पर जो देश आता है इसको बोलते हैं नोरू नोरू आता है और चौथे नंबर पर लिख लेना एक और देश आता है इसको बोलते हैं तुवालू तो ये प्रमुख देश आपके छोटे देशों में आते हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ऊपर के दोनों देश जो हैं वो यूरोप के अंदर आते हैं छोटे देशों में और ये जो दोनों देश हैं ये प्रशांत महासागर में स्थित हैं प्रशांत महासागर ठीक है तो प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं नौरू और तुबालू द्वीपीय देश हैं छोटे देश हैं और ये दोनों यूरोप के अंदर आ जाते हैं वेटिकन सिटी के अंदर वेटिकन सिटी इटली के अंदर आता है तो ये घटते हुए क्रम में आप देख रहे हैं विश्व के सबसे छोटे देश हो गए और विश्व के सबसे बड़े देश हो गए हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का कौन सा स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान है ठीक है अब भारत की स्थिति थोड़ा हम जान लेते हैं किस में जनसंख्या में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि जनसंख्या में भारत का विश्व का विश्व में दूसरा स्थान है लेकिन पहले और दूसरे आंकड़े आपसे कभी नहीं पूछेंगे नीचे से चार ऑप्शन आपको दे देंगे ऑप्शन दे देंगे ब्राज़ील इंडोनेशिया पाकिस्तान या बांग्लादेश और इन चारों में से आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है तो ध्यान रखना यहाँ पर हम अब बात करेंगे ये तो क्षेत्रफल के आधार पर बात हो गई अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर ठीक है जनसंख्या में बड़े देश तो जनसंख्या में विश्व के बड़े देशों की हम बात करें तो आपको मैं बता दूं जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो आता है आपका कौन सा चीन तो चीन की जनसंख्या की बात करें तो चीन की जनसंख्या 137 करोड़ है 137 करोड़ जनसंख्या है जो विश्व की कुल आबादी का लगभग उन्नीस दशमलव पाँच प्रतिशत है विश्व की कुल आबादी का कितना है साढ़े उन्नीस परसेंट मतलब हर पांचवा आदमी दुनिया में चाइनीज़ है ये मान के चलिए आप ठीक है दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश जिसको हम बोलते हैं भारत और भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो वही हम लिखेंगे तो भारत की जनसंख्या पता है आपको कितनी है एक करोड़ और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो यह ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है साढ़े सत्रह प्रतिशत तो विश्व की जनसंख्या का कुल भारत में कितनी है साढ़े सत्रह प्रतिशत जो है वो जनसंख्या भारत में निवास करती है अब जनसंख्या में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना विश्व में जनसंख्या में तीसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है लगभग तेतीस करोड़ 33 करोड़ जनसंख्या है जो विश्व की आबादी का लगभग पांच प्रतिशत है तो उतना जरूरी नहीं है ये जरूर ध्यान रखें कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो साढ़े सत्रह प्रतिशत है चौथे नंबर पर एक और देश आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया <coughs> तो इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी कहलाता है लगभग 22 करोड़ जनसंख्या इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया के द्वीपों की अगर हम बात करें तो यहां पर बाहरी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है ठीक है तो इंडोनेशिया में बाईस करोड़ है जो चौथे नंबर पर आ जाता है पांचवें नंबर पर जो देश आता है वो है ब्राजील और ब्राजील की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ 19 करोड़ जनसंख्या ब्राजील में निवास करती है ठीक है और छठवें नंबर पर मैं बात करूं तो छठवें नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनसंख्या है लगभग 18 करोड़ तो 18 करोड़ जनसंख्या पाकिस्तान में निवास करती है और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.95 करोड़ मतलब अकेले 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है ठीक तो है तो ये मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश को एक देश घोषित कर दिया जाए तो जनसंख्या में आप देख रहे हैं कहाँ पर आ जाएगा इंडोनेशिया के ठीक नीचे आ जाएगा तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश को अगर देश घोषित कर दें तो जनसंख्या में पाँचवा सबसे बड़ा देश हो जाएगा ठीक है तो पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सातवें नंबर पर एक और देश आ जाएगा जिसका नाम है बांग्लादेश ठीक है और बांग्लादेश में लगभग 16 करोड़ जनसंख्या निवास करती है ठीक है तो ये जनसंख्या के आधार पर आप देख रहे थे कैसे देश हैं बड़े देश हैं ठीक है सबसे बड़ा देश चीन है भारत है यूएसए इंडोनेशिया ब्राजील पाकिस्तान और बांग्लादेश घटते हुए क्रम में है ये तो आपसे ये दोनों आंकड़े कभी नहीं पूछे जाते यहाँ से चार ऑप्शन दे देंगे यूएसए इंडोनेशिया ब्राज़ील और पाकिस्तान और आपसे पूछेंगे जनसंख्या में इनमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो लोगों को क्या लगता है ब्राज़ील लगता है जबकि ब्राजील से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है इंडोनेशिया के अंदर सॉरी यूएसए के अंदर तो यहाँ पर इंडोनेशिया फिर उसके बाद ब्राज़ील तो इंडोनेशिया के बाद आता है ब्राज़ील का नंबर जबकि क्षेत्रफल में काफ़ी पड़ा है अब छोटे देशों की हम बात करें जनसंख्या में छोटे देश तो जनसंख्या में जाहिर सी बात है छोटे देशों में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा वही वेटिकन सिटी 1000 जनसंख्या निवास करती है वहां पर तो ध्यान रखना छोटे देशों में पहले नंबर पर है वेटिकन सिटी तो वेटिकन सिटी के अंदर एक हजार केवल पुरुष रहते हैं जनसंख्या पुरुषों की यहां पर है केवल ठीक है और वेटिकन सिटी के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है नोरू तीसरे नंबर पर आ जाता है मोनेको ठीक है इस तरह से ध्यान रखें तीन दिन याद रख ली काफी तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है जनसंख्या में भी और सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर भी तो ये तो भारत की स्थिति किसमें हो गई जनसंख्या में तो भारत की स्थिति और विस्तार हम पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर हमने भारत की स्थिति जान ली और हमने जनसंख्या के आधार पर भी भारत की स्थिति जान ली दुनिया में क्या है ठीक है इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलें ठीक है तो हम भारत के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ठीक है तो मैं एक मैप आपका ले लेता हूं जिससे आसानी हो जाएगी समझने में ये मैप आप देख पा रहे होंगे भारत का ठीक है तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे जाए तो देखिए भारत की हम बात करें तो यहां से तो भारत की स्थली सीमा शुरू हो जाती है पड़ोसी देशों से लगती है तो देखिए मैं इसको रेड कर देता हूं यहाँ से भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं तो ये स्थलीय सीमा कहलाती है ये भारत की क्या कहलाती है स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहलाती है पड़ोसी देशों के साथ ये सीमा लगती है भारत की ठीक है यह भारत की क्या हो गई स्थलीय सीमा तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ध्यान रखना पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर ठीक है तो यहां से जो भारत की स्थलीय सीमा शुरू होती है इसकी लंबाई है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर और यहाँ से हम बात करें ये भारत की समुद्री सीमा लगती है यहां से भारत की समुद्री सीमा शुरू हो जाती है तो भारत की समुद्री सीमा की देखिए हम बात करें तो ये भारत की समुद्री सीमा है तो समुद्री सीमा की लंबाई समुद्रीय सीमा तो समुद्री सीमा की लंबाई ध्यान रखना 6,100 किलोमीटर है इकसठ किलोमीटर अगर हम बात करें कुल समुद्री सीमा कुल समुद्रीय सीमा तो कुल समुद्री सीमा की देखिए हम बात करें तो यहां पर कुछ द्वीप हैं भारत के उन द्वीपों की समुद्री सीमा को भी जोड़ दें द्वीपों सहित ठीक है जैसे इधर की तरफ लक्षद्वीप है यहां पर इधर की तरफ अंडमान निकोबार है अगर इनकी समुद्री सीमा को भी जोड़ दिया जाए तो द्वीपों सहित इसकी लंबाई हो जाती है सेवन फाइव वन सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है सात हजार पांच सौ सोलह दशमलव छः किलोमीटर अगर हम बात, बात करें भारत की कुल सीमा की भारत की कुल सीमा कुल सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें स्थलीय प्लस समुद्री तो स्थलीय और समुद्री सीमाओं को हम इसमें दोनों को जोड़ दें तो ये जो कुल सीमा जो है ये आपकी इसको और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों को अगर जोड़ दें तो आपको ध्यान रखना है पंद्रह सात कितने बाईस हजार सात सौ सो सोलह दशमलव छः किलोमीटर तो भारत की कुल जो सम सीमा है उसकी लंबाई है बाईस हजार सात सौ सो, सोलह दशमलव किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक भारत की समुद्री सीमा हो गई यहाँ से यहाँ तक भारत की ये रेड कलर से आप देख रहे हैं ये क्या हो गई स्थलीय सीमा अब बात आती है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं और कितने राज्य जो है वो भारत के स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं ठीक है तो यहां पर हम बात करेंगे देखिए ये ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये सोलह राज्य हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सोलह राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं सोलह राज्य क्या बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आपसे पूछा जाए कि कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें यहाँ पर गुजरात है यहाँ पर महाराष्ट्र है यहाँ पर गोवा ये छोटा सा है गोवा कर्नाटक आ जाएगा केरल आ जाएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और इधर की तरफ ओडिशा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह कितने राज्य हो गए नौ राज्य भारत के क्या करते हैं तटीय सीमा या समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ इसको नौ राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं नौ राज्य भारत के क्या मराते हैं समुद्री सीमा कौन कौन से नौ राज्य हैं इसको नोट डाउन कर देते हैं यहां पर तो पहले नंबर पर एक राज्य आ जा जाएगा इसको बोलते हैं हम गुजरात दूसरे नंबर पर एक राज्य आ जा जाएगा उसको उसके बाद इसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद गोवा गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल ठीक है तो ये जो पांच राज्य आप देख रहे हैं ये पांच राज्य क्या बना रहे हैं भारत का पश्चिमी तट तो कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है या कौन सा पूर्वी तट पर स्थित राज्य है तो ये पांच राज्य किस पर हो गए पश्चिमी तट पर और ये जो चार राज्य आप देख रहे हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ये क्या हो जाएंगे पूर्वी तट पर हो जाएंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं छह नंबर पर तमिलनाडु तमिलनाडु सात नंबर पर आंध्र प्रदेश आठ नंबर पर उड़ीसा ओडिशा और नौवे नंबर पर आपका आ जाएगा पश्चिमी बंगाल तो ये चार राज्य क्या बनाते हैं भारत का पूर्वी तट ठीक है तो क्लियर हो गया होगा पांच राज्य भारत के पश्चिमी तट का निर्माण करते हैं और चार राज्य भारत के पूर्वी तट का निर्माण करते हैं यहां से सोलह राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो सत्रह राज्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे ठीक है इस तरह से है अब यहाँ से क्लियरली आप देखें कि भारत के सोलह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं पड़ोसी देशों से लगते हैं नौ राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और पांच राज्य भारत के ऐसे हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते ना तो वो किसी पड़ोसी देश से उनकी सीमा लगती है और ना ही समुद्र से तो पांच राज्य भारत के ऐसे हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं और पांच राज्य कौन से हैं मैं आपको लिखा देता हूं, इसमें समझा देता हूं। तो भारत के पांच राज्य आप देखेंगे किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं तो एक तो आप राज्य ये देख पा रहे होंगे आसानी से ये राज्य हो गया हरियाणा किसी के साथ सीमा नहीं बना रहा है ठीक है हरियाणा आपका हो गया उसके बाद दूसरा राज्य आप देखें तो यहाँ से एक राज्य आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ना तो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश ना ही आप देखेंगे ना ही मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है तो दूसरा राज्य आप देख रहेंगे यहाँ पर आपका बीचों बीच में हो गया मध्य प्रदेश तो दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है किसी के साथ सीमा नहीं बन रही है यहीं पर मध्य प्रदेश से अलग होके एक राज्य बन गया है और ये राज्य आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ राज्य भी की सीमा ना तो पड़ोसी देशों से लगती है और ना ही इसकी सीमा समुद्र से लगती है तो अगला राज्य आप देख रहे हैं कौन सा हो गया छत्तीसगढ़ और एक और राज्य है जिसकी सीमा ना तो पड़ोसी देशों से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है और ये बिहार से अलग होके बना हुआ है तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा झारखंड तो झारखंड की सीमा भी किसी से नहीं लगती है चार तो ये राज्य हो गए क्लियरली और एक राज्य हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो राज्य नया बना हुआ है और वो राज्य आप देखेंगे तो वो राज्य यहां पर इस तरह से नजर आता है और ये राज्य आपका तेलंगाना तो भारत के पांच राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं ना तो समुद्र के साथ में और ना ही पड़ोसी देश के साथ में तो इन राज्यों के नाम में लिख देता हूं एक तो यहां पर आप लिख लें इसको हरियाणा बोल देंगे हरियाणा हरियाणा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया यह हो गया झारखंड झारखंड यह हो गया छत्तीसगढ़ ठीक है और यह हो गया तेलंगाना इस तरह से आप देखें तो पांच राज्य भारत के किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं ठीक है मैं द्वारा इसको देखिए रिपीट कर दूं आपको थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार की तो यहां पर क्लियरली आप देखें तो भारत के सोलह राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के नौ राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं पांच राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं और चार राज्य पूर्वी तट बनाते हैं अब इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं ना ही तटीय सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ये पांच राज्य आ जा जाते हैं हरियाणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और तेलंगाना तो पांच राज्य ऐसे हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते इसके बाद एक प्रश्न आपका और बनता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक तो पश्चिमी बंगाल आपका हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा गुजरात तो दो राज्य ऐसे हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं तो इसको लिख लेते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं पॉइंट वाइज पांच राज्य पांच राज्य ना तो समुद्री सीमा समुद्रीय सीमा और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ये पांच राज्य में यहां पर लिख देता हूं पहला हरियाणा दूसरा मध्य प्रदेश तीसरा छत्तीसगढ़ तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चौथा झारखंड और पांचवा जिसको हम बोलते हैं तेलंगाना तो पांच राज्य ऐसे हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते जबकि दो राज्य ऐसे भी हैं तो यहां पर लिख लें दो राज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं तो दो राज्य ऐसे हैं जो दोनों सीमाएं बनाते हैं इनके नाम यहां पर जरूर लिख लें एक राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है पश्चिमी बंगाल गुजरात और दूसरा है पश्चिमी बंगाल तो ये दो राज्य ऐसे हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं समुद्र से भी लगते हैं और पड़ोसी देशों से भी इसकी सीमाएं लगती हैं तो उम्मीद है कुछ थोड़ा क्लियर हो गया होगा अब इसको थोड़ा आगे और लेकर चले तो एक और प्रश्न यहां से बनता है कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है तो समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है ये पूछा जाए या किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ध्यान रखना पहले सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी हुआ करती थी किसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया जम्मू कश्मीर अलग हो गया लद्दाख आपका अलग हो गया तो अब सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसकी है राजस्थान की है और सबसे छोटी किसकी है तो वह ध्यान नागालैंड की है तो इस तरह से एक पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न आपके पूछ ले जाते हैं बेसिक चीजें हैं क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं ध्यान नहीं देते तो एग्जाम में इस यहां से प्रश्न उठा लेते हैं तो नेक्स्ट यहां पर लिख लेते हैं पहले सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर पूछा जाए भारत किस राज्य की है तो ध्यान रखना सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान तो राजस्थान की सीमा पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी लगती है पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी लेकिन अब उसकी नहीं लगती है क्योंकि उसका विभाजन हो गया है अगला पॉइंट डालें सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नागालैंड नागालैंड की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है अब हम बात करें समुद्री सीमा की तो सबसे लंबी समुद्री सीमा तो सबसे लंबी समुद्री सीमा की देखिए बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है गुजरात का गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर है इसकी सीमा दूसरे नंबर पर आता है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश की सीमा तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात की है फिर आंध्र प्रदेश की है और फिर आपका किसकी है तमिलनाडु की तमिलनाडु ठीक है इतना ध्यान रखें ये प्रश्न आपका तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरात की फिर आंध्र प्रदेश की उसके बाद तमिलनाडु की तो तीन ध्यान रख लें काफी है और पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतर समुद्री सीमा सबसे छोटी समुद्रीय सीमा तो सबसे छोटी समुद्री सीमा की हम बात करें तो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है और वो राज्य है आपका गोवा तो गोवा की सीमा सबसे छोटी है ठीक है गोवा के बाद पश्चिमी बंगाल आ जाएगा तो इस तरह से ध्यान रखें सबसे छोटी कई बार पूछ लेते हैं तो गोवा की समुद्री सीमा सबसे छोटी है और सबसे लंबी गुजरात की है 1214 सौ चौदह आंध्र प्रदेश की है नौ किलोमीटर आंकड़े लिखवाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आंकड़े इस तरह से एग्जाम में पूछे नहीं जाते घटते हुए क्रम में आप चीज़ों को जरूर ध्यान रखें ठीक है तो इस तरह से बात गई यहाँ पर ठीक है तो यह स्थिति बनती है अब हम कुछ आंकड़े यहां पर और लिख लेते हैं फिर हम चलते हैं भारत की स्थिति और विस्तार में ही अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ सकते हैं और सबसे छोटा राज्य भी पूछ सकते हैं ठीक है तो यहां पर इस तरह से लिख लें क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य ठीक है तो सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे बड़े राज्यों में आपको पता ही है कि बड़े राज्यों में सबसे पहला नंबर किसका आता है राजस्थान का ही नंबर आता है तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है उसके बाद की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर यहां पर कौन सा आ जाएगा दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आ जाता है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आ जाता है उत्तर प्रदेश ठीक है तो सबसे बड़े राज्यों की हम बात करें तो पहले नंबर पर यहां पर लिख लें राजस्थान राजस्थान दूसरे स्थान पर आप लिख लें यहां पर आ जाएगा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर लिख लें महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर लिख लें उत्तर प्रदेश ठीक है तो चार राज्य घटते में आपका लिख सकते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखें इसको देखिए याद रखने के लिए अगर कभी मान लो आपको आंकड़े नहीं याद रहते हैं तो उसको एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं यहां पर लिख लें राजनीति में महान यूपी ठीक है इस तरह से अब याद रखेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे राज से हो गया आपका राजस्थान ठीक है मैं से हो गया मध्य प्रदेश महा से हो गया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आपका हो गया यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश तो ऐसे भी याद रख सकते हैं तो ये चार राज्य ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो गए घटते हुए क्रम में हो गए और अगर हम बात करें छोटे राज्यों की तो छोटे राज्यों में भी अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य हैं तो आपको आसानी से याद रख सकते हैं आजकल एक टैक्स बहुत चर्चा में चल रहा है जिसको बोलते हैं जीएसटी जीएसटी के बारे में पता होगा और जीएसटी को लोग भाग इतना ज़्यादा ख़तरनाक समझ रहे हैं कि जैसे कोई नाग है तो जीएसटी एस नाग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे छोटे राज्यों का क्रम भी ठीक है तो जी से आप समझ पा रहे होंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा गोवा के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा सिक्किम सिक्किम के बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा त्रिपुरा टी से हो गया त्रिपुरा तो जी से गोवा एस से सिक्किम और टी से हो गया त्रिपुरा और नाग से हो गया नागालैंड तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये चार राज्य क्या हैं? ये आपके छोटे राज्य हैं तो सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हो गया जनसंख्या में भी अगर पूछा जाए तो जनसंख्या में आप यहीं पर लिख दें इसी से क्लियर हो जाएगा जनसंख्या में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा तो ध्यान रखना जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो गया गोवा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राज राजस्थान हो गया और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश तो ये बेसिक आंकड़े थोड़ा सा आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं ठीक है अब क्या होता है कि कभी कभार पूछ लेते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिलों के बारे में भी पूछ लेते हैं ठीक है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है 640 से ज्यादा जिले हो चुके हैं ये आपको जानते ही हो जानते होंगे तो 640 से ज्यादा अगर जिले हैं तो इनमें से अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा आप कहेंगे कि ऐसा कैसा प्रश्न आ गया लेकिन थोड़े से आंकड़े आप जरूर ध्यान रखें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो यहां पर देखिए मैं जिलों की भी बात कर लेता हूं भारत में जिले ठीक है तो भारत में जिले में यहां पर लगभग लिख देता हूं एग्जैक्ट कोई आंकड़े मुझे जानकारी नहीं है तो लेकिन आप देखें 640 सौ लगभग 640 जिले हैं ठीक है ठीके? तो इसकी हम बात करें तो इसको दो भागों में बांट दें सबसे बड़े सबसे बड़ा जिला भारत का और यहीं पर हम जान लें सबसे छोटा जिला ठीक है बस यहीं से ध्यान रखें थोड़ा सा तो सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़े जिले में पहले नंबर पर आता है कच्छ कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है दूसरे नंबर पर आता है लेह और तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर जयसलमेर और चौथे नंबर पर आता है बाड़मेर तो ये भारत के बड़े जिले हैं दोनों ध्यान रखें ऊपर के कच्छ और लेह या तो ऑप्शन में कच्छ मिलेगा या लेह मिलेगा तो दोनों में से जरूर ध्यान रखें और सबसे छोटा जिला अगर हम बात करते हैं तो ये केरल में पड़ता है इसको बोलते हैं माहे केरल में केंद्र शासित प्रदेश केरल में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पुडुचेरी का भाग पुडुचेरी मात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है हम पढ़ेंगे इसमें पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार जो है वो तीन राज्यों में है ठीक है पुडुचेरी और करिकाल तमिलनाडु में पड़ते हैं यनम आपका आंध्र प्रदेश में आ जाता है और माहे कहां पर आ जाता है केरल के अंदर तो माहे जो है वो केरल में स्थित केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक भाग है तो और माह ध्यान रखना भारत का सबसे छोटा जिला कहलाता है और कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला कहलाता है ठीक है तो ये तो बात हो गई किसको लेकर भारत के क्षेत्रफल को लेकर ठीक है अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें और आगे की तरफ इससे अगर प्रश्न आपके बनते हैं तो प्रश्न बनते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ में तो प्रश्न आपका बनता है कि भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं या सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है या सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा जानने वाली हैं तो इसको भी हम आगे जान लेते हैं